गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। नाउ स्टार्ट योर फोर्थ चैप्टर इन क्लास सिक्स, एनिमेटिंग प्रेजेंटेशन। सम ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। एनिमेशन यूजिंग स्लाइड्स, ट्रांजिशन, एडिंग एनिमेशन इफेक्ट, इंसर्टिंग साउंड क्लिप, इंसर्टिंग योर ओन साउंड, इंसर्टिंग वीडियो क्लिप्स, यूजिंग एक्शन बटन and next printing presentation। Here some objectives are there। तो ये सारे points हमको क्या करने हैं, पढ़ने हैं। So now start your paragraph। Animating slides involve adding movement and sometimes sound to text or to the slides in a presentation। So first of all, animation क्या होता है students? कुछ movement होता है या sometimes बोल सकते हैं उसको कुछ action होता है जिस जो ऑब्जेक्ट पे हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे होता है, किसी स्लाइड में हम उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमारा या तो कोई भी इमेज हो सकता है, या आपका कोई टेक्स्ट हो सकता है, या आपका साउंड हो सकता है, या आपका कोई भी शेप्स। क्लियर स्टूडेंट? तो एनिमेशन जो हमारा है, एनिमेटिंग स्लाइड्स क्या करता है कि किसी भी मोमेंट को ऐड करने के लिए या किसी साउंड को या टेक्स्ट को स्लाइड में प्रेजेंट करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो एनिमेशन कैन हेल्प टू क्रिएट अ लाइवलियर एंड मोर इंटरटेनिंग स्लाइड शो। तो एनिमेशन क्या करता है, किसी भी स्लाइड शो को, किसी भी प्रेजेंटेशन को इंटरटेनिंग करता है, या उसकी जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि रोचक बनाता है, या उसको अच्छे से क्रिएट करता है जिससे हमारा क्या हो, अट्रैक्शन बढ़ा रहे। तो पावर पॉइंट प्रोवाइड सम प्रेजेंट प्रीसेट एनिमेशन डेट अलाउ यू टू कस्टमाइज द एनिमेशन टू फिट योर नीड्स। पावर पॉइंट हमको क्या प्रोवाइड करता है, कुछ हमको एनिमेशन प्रोवाइड करता है जो कस्टम मतलब एक तरह से जिसको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग अपने नीड के हिसाब से, हम सारी चीजें इसमें यूज कर सकते हैं। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, एनिमेशन यूजिंग स्लाइड ट्रांजिशन। सो स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, स्लाइड ट्रांजिशन इज अप्लाइड टू अ स्लाइड। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं किस पे, स्लाइड पे, स्लाइड पे अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है, क्रिएट एन एनिमेशन डेट अकर्स वेन वन स्लाइड मूव टू अनदर स्लाइड ड्यूरिंग स्लाइड शो। तो जब हमारा एक स्लाइड से वर्क कंप्लीट हो जाए और जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हो स्लाइड शो के दौरान, तब हमारा स्लाइड ट्रांजिशन जो है क्या करता है, एनिमेशन शो करता है, अपना एक्शन वो शो करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द एडिंग ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ स्लाइड। ट्रांजिशन इफेक्ट हम स्लाइड में कैसे ऐड करते हैं इसको देखते हैं। टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ स्लाइड फॉलो दीज स्टेप्स। फर्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड स्लाइड पैनल्स सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वॉन्ट टू ऐड ट्रांजिशन। तो लेफ्ट साइड पे हमारा जो स्लाइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड पे स्लाइड है, हमको इस पे जो भी एक्शन या स्लाइड प्रेजेंटेशन का, इस पे हम क्लिक करके यहाँ पे स्लाइड दे सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं, या एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। क्लियर? जैसे ये हमारा इस पे रहेगा, जब हम मूव करेंगे तो मेरा स्लाइड कुछ ऐसे वर्क करना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हमारे स्लाइड ट्रांजिशन, हम इसको चूज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ मूव टू द योर पॉइंट सेकंड, टू क्लिक ऑन द ट्रांजिशन टैब दैट क्लिक ऑन अ ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट? हमने देख लिया उसको ट्रांजिशन को कैसे ऐड करना है, ये सारे पॉइंट्स वहां पे शो हैं जिसको हम देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, टू रीसेट द स्लाइड ट्रांजिशन स्पीड एंड ऐड द साउंड टू द ट्रांजिशन चेंज द वैल्यू ऑन साउंड। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन की स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, उसमें साउंड ऐड कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो साउंड और उसका ड्यूरेशन भी हम क्या कर सकते हैं, उसको टाइमिंग के हिसाब से बढ़ा और घटा सकते हैं। तो ये हम लोग देख लेते हैं। हेयर ट्रांजिशन स्पीड्स आर देयर, इसमें कोई भी हम ट्रांजिशन साउंड, इसमें कोई भी हम लोगों ने साउंड नहीं दिया है। आप चाहें तो एरो का साउंड या
कोई भी साउंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया गया है, प्री डिफाइंड है, तो आप कोई भी साउंड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ड्रम ड्रम रोल है, इस साउंड को भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं किसी भी स्लाइड शो ट्रांजिशन में। पॉज का भी ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट? टाइपराइटर है, वोल्टेज है, विंड है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांजिशन स्पीड का, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्लो, मीडियम और फास्ट। इसको तीन कैटेगरीज दी गई हैं, इसको हम इसमें चूज कर सकते हैं, स्लो करना है या मीडियम। क्लियर? और देन आफ्टर अप्लाई टू ऑल करना हो तो नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं यहाँ पे, जैसे ये वन स्लाइड अभी हमने क्रिएट किया है, और भी स्लाइड हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, होम पे जाके यहाँ से न्यू स्लाइड ले सकते हैं, हम चूज कर सकते हैं। ब्लैंक करना हो तो ब्लैंक स्लाइड चूज कर लें, और भी स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो नंबर ऑफ स्लाइड्स 4 हो गए टोटल। अब ये सारे चीज हम यहाँ पे डिजाइन में जाके एनिमेशन में, यहाँ पे हम इसको ट्रांजिशन स्पीड हो गया, और ये जो हमारा फर्स्ट जो हमारा सारा चीज था इस पे, जो भी हमने एनिमेशन इस पे दिया है, ये सभी चीजें अगर हम सारे स्लाइड पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई टू ऑल कर देंगे, ये सारी चीजें एक साथ सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एडवांस स्लाइड है जो इसमें हमारा एक ऑन दिया है माउस, ऑन माउस क्लिक, मतलब यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को परफॉर्म करेंगे, एक्शन लेंगे, तो उसमें माउस के माध्यम से ही क्लिक करके ले सकते, यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसमें भी हमारे सम ऑप्शंस दिए गए हैं ऑटोमेटिकली आफ्टर, ये टाइमिंग दिया गया है कितने देर बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्लाइड्स को एक दूसरे स्लाइड से मूव करके अंदर स्लाइड पे जा सकते हैं। नाउ मूव टू योर चैप्टर। हियर 4 पॉइंट सेलेक्ट द चेक बॉक्स ऑन माउस क्लिक। ऑलरेडी मैंने इसको डिस्कस किया आपके सामने। इफ यू वॉन्ट टू ट्रांजिशन ऑफ वन स्लाइड इन द नेक्स्ट स्लाइड अपॉन द क्लिक ऑफ द माउस बटन, तो माउस बटन से हम क्लिक करके एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे मूव कर सकते हैं। द माउस बटन और सेलेक्ट द आफ्टर चेक बॉक्स टू स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ द एडवांसमेंट टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ मूव द एडिंग एनिमेशन इफेक्ट। कैसे हम एनिमेशन इफेक्ट ऐड करेंगे? यू कैन ऑल्सो डिसाइड हाउ टेक्स्ट क्लिप आर्ट शेप्स एंड पिक्चर परफॉर्म बाई यूजिंग द एनिमेशन तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो कि हमारा टेक्स्ट कैसा हो, क्लिप आर्ट क्या हो, शेप्स क्या हो, पिक्चर्स क्या हो सकते हैं, और हमको कौन सा एनिमेशन उस पर एक्शन परफॉर्म करना है, यूज करना है, ये सब चीज़ें आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो। यू कैन ऐड वेरियस इफेक्ट सेट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्लाइड टू गेट होल्ड ऑफ द ऑडियंस इंटरेस्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमेशन इफेक्ट डैट यू कैन चूज फ्रॉम द पावर पॉइंट 2013। देयर आर फर्स्ट पॉइंट, हमारे इसमें 4 कैटेगरीज दी गई है एनिमेशन इफेक्ट के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसमें दिया गया है इंट्रेंस। इंट्रेंस क्या होता है? इट कंट्रोल्स द वे हाउ टू एन ऑब्जेक्ट एंटायर द स्लाइड। फॉर एग्जाम्पल इन बाउंस एनिमेशन इफेक्ट यू विल फाइंड एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन टू द स्लाइड एंड देयर बाउंस सेवरल टाइम। मीन्स हेयर सम एनिमेशन आर देयर कस्टम एनिमेशन। क्लियर स्टूडेंट? हेयर 4 पॉइंट्स आर देयर। फर्स्ट है इंट्रेंस, तो इंट्रेंस में हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा एनिमेशन हमको चूज करना है, बॉक्स रखना है या कुछ इंट्रेंस, मतलब जब हम किसी स्लाइड में किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो ये सारे हम उस पर चूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारे एक्शन हम उस पर ले सकते हैं। नाउ मूव सेकेंड पॉइंट, एम्फेसाइज यूजली दीज एनिमेशन अकर्स वेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द स्लाइड ऑफन ट्रिगर बाई अ माउस क्लिक। क्लियर स्टूडेंट? तो नेक्स्ट हमारा एम्फेसाइज। एम्फेसाइज क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट
को जो है क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है या श्रिंक कर सकता है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, स्लाइड पे उस पर ये एनिमेशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे स्पिन है, ग्रो सिंक है, दिख रहा है, ये हम चूज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सेलेक्ट किया एम्फेसाइज में ग्रो एंड सिंक, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद फिर वापस अपने जगह पे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ So students, now move to the exit next point. The animation category control the way how to an object exit the slide. तो इस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को अगर स्लाइड से एग्जिट करना है या उस स्लाइड से हमको मूव करना है तो एग्जिट पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विद द वाइप एनिमेशन या ड्रॉप डाउन, ये भी हमारा एनिमेशन यहाँ पे दिया गया है एग्जिट में, इसको भी हम चूज कर सकते हैं। फॉल डाउन भी ऑप्शन होता है, तो एग्जिट या फ्लाई आउट। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हम ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। मोशन पाथ। मोशन पाथ क्या होता है, दिस एनिमेशन इफेक्ट इंश्योर द प्री डिटरमाइंड पाथ थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव विद इन द स्लाइड, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम इंश्योर हो जाते हैं कि उसमें हमको मूव करना है उस ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हम पाथ पहले से ही डिजाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लाइन्स है, आर्क्स है, टर्न्स है, शेप्स है, लूप्स है एंड कस्टम पाथ, मतलब खुद से डिजाइन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे दिए गए हैं। तो नाउ मोशन पाथ पे क्लिक करते हैं, ड्रा द कस्टम या कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सब ऑब्जेक्ट्स हमारे जो है यहां से जो हमने डिजाइन किया उसके हिसाब से ये मूव किया, तो ये कस्टम हमारा एनिमेशन था। क्लियर स्टूडेंट्स? हियर हाउ टू अप्लाई, मतलब कैसे हम अप्लाई करते हैं एनिमेशन को किसी ऑब्जेक्ट पे। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, फर्स्ट हमको क्या करना होगा, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे हमारा एनिमेशन यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया SCH स्कूल, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट के फॉर्म में है, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हमको अगर इसमें एनिमेशन देना है, एड इफेक्ट करना है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, एंट्रेंस में डायमंड फ्लाई या स्विस या मोर इफेक्ट में हम जाके अपना चूज कर सकते हैं या स्लिंग
यहाँ से आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वाइब विप ये भी हमारा एक ऑप्शन रहेगा। तो सम हमारे ऑप्शन जो यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे हमारे इंट्रेंस के ही ऑप्शन हैं। क्लियर स्टूडेंट, आप इंट्रेंस के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूज कर सकते हैं। इंट्रेंस मतलब ग्रीन, यहाँ पे उसके हिसाब से कलर भी डिसाइड किया गया है, ग्रीन है। एम्फेसाइज मतलब हम किसी भी टेक्स्ट पे, ये हमारा एक तरह से बोला जाए तो येलो इसका साइज होता है, एग्जिट का यहाँ पे रेड है, और मोशन पाथ के लिए यहाँ पे वाइट कलर से इसको डिनोट किया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, सो थर्ड पॉइंट ऑन सेकेंड पॉइंट ऑन द एनिमेशन टैब क्लिक द मोर ड्रॉप डाउन एरो। यहाँ सारे हमारे एनिमेशन दिए गए हैं जिसको हम ड्रॉप डाउन एरो से क्लिक करके एनिमेशन ग्रुप से हम यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ द एनिमेशन सेलेक्ट इफेक्ट, सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट। ये सारे हम इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। दिस इफेक्ट विल अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट विच विल हैव अ स्मॉल नंबर next to it to show that it has an animation along with the order of the animation. Clear students, effect option, the effect option allow you to customize further the animation. तो हमारा जो इफेक्ट ऑप्शन होता है वो क्या कर सकते, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमको प्रोवाइड करता, अलाउ करता है कस्टमाइज चूज करने के लिए, कोई भी एनिमेशन हम चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द फ्लाई इन द इफेक्ट यू कैन कंट्रोल द डायरेक्शन इन विच ऑफ द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम। तो फ्लाई जो हमारा इफेक्ट है उसका कंट्रोल हम कर सकते हैं कि वो जो उसका जो मूवमेंट है वो किस साइड से आए, किस डायरेक्शन से वो फ्लाई होते हुए आए। क्लियर, दीज कंट्रोल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑप्शन बटन इन एनिमेशन ग्रुप। क्लियर स्टूडेंट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज To remove an animation, हम कैसे किसी एनिमेशन को जो हमने अप्लाई कर चुका है ऑब्जेक्ट पे उसको कैसे उसको हटाएं, रिमूव करें। तो क्लिक ऑन द फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन द स्मॉल नंबर्स लोकेटेड नेक्स्ट टू द एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। सो हियर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो भी हमने एनिमेशन दिया एक नंबर से यहाँ पे क्लिक ऑप्शन का ये दिया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये नंबर्स हमारे दिए गए हैं। क्लिक इस पर हम क्लिक करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये सारे हम यहाँ से एनिमेशन को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। प्रेस द डेल बटन या रिमूव बटन आल्सो। इंसर्टिंग साउंड क्लिप, यू कैन ऐड अ साउंड ऑडियो क्लिप इनटू अ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल इट इज पॉसिबल टू ऐड बैकग्राउंड म्यूजिक टू वन स्लाइड, अ साउंड इफेक्ट टू अनदर, एंड इवन रिकॉर्ड your own narration or commentary for the slide. Next, you can even edit the audio to customize it for your presentation. तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आप साउंड ऐड कर सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन में, ऑडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं या बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप दे सकते हैं, और देन आफ्टर आप साउंड इफेक्ट में अनदर साउंड भी ऐड कर सकते हैं कमेंट्री कर, जैसे ओन नरेशन हो गया, आपका खुद का स्पीच है या आपने कमेंट्री किया किसी भी, तो वो भी हम स्लाइड पे ऐड कर सकते हैं। तो टू इंसर्ट ऑडियो फ्रॉम अ फाइल, कैसे हम इंसर्ट करेंगे, ओपन अ प्रेजेंटेशन इन विच ऑडियो नीड क्लिप नीड्स टू इंसर्टेड। तो जो भी हमारा ऑडियो क्लिप होगा नेक्स्ट हम उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं। फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो, फ्रॉम द मीडिया ग्रुप सेलेक्ट द ऑडियो इन माई पीसी। ये सारे ऑप्शन यहाँ से दिए गए हैं। दिस विल मेक द इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स, तो ये सारे ऑप्शन हम ऑडियो में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट हम जाएंगे किस पे, इंसर्ट टैब पे, ये हमारे यहाँ पे साउंड ऑप्शन है, तो साउंड ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। साउंड फ्रॉम फाइल मतलब जो आपका रिकॉर्ड है, या रिकॉर्ड साउंड आप करना चाहते हैं, या क्लिप ऑर्गेनाइजर कर, जो भी हमारा यहाँ पे इंसर्ट है पहले से, ये साइज साउंड हम इसमें चूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स,
Here, now move to the last point. The audio file will be added to the slide. हम audio files को भी क्या कर सकते हैं, slide पे add कर सकते हैं. Now when you go for a slide presentation, तो background audio also play. और जब हमारा slide present होगा, उसमें जब play होगा, तो हमारा और जो background में जो audio sound हमने दिया, वो भी साथ में क्या हो जाएगा, play हो जाएगा. नेक्स्ट है इंसर्टिंग योर ओन साउंड. आप अपने अपनी खुद की भी आवाज़ को, साउंड को आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के भी मीडिया फाइल को ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो. देयर माइट बी टाइम्स व्हेन यू मे वांट टू रिकॉर्ड ऑडियो डायरेक्टली इनटू अ प्रेजेंटेशन. आप डायरेक्टली अगर उसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल देयर माइट बी नरेशन फॉर योर प्रेजेंटेशन बिफोर यू गो द रिकॉर्डिंग योर ऑडियो. Make sure you have a microphone that compatible with your computer and speaker. तो पहले आप इंश्योर हो जाइएगा कि आपके पास क्या होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और स्पीकर होना, कंप्यूटर का स्पीकर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे स्टेप्स दिए गए हैं, सो फॉलो करना है. ओपन अ प्रेजेंटेशन वेयर यू वॉन्ट टू नरेशन टू बी एड, जहाँ पे आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उस साउंड क्लिप का नाम आपने रख दिया. रिकॉर्ड जो साउंड करेंगे उसका माई नरेशन उसका नाम हो गया. फ्रॉम इंसर्ट टैब से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक द ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द मीडिया ग्रुप एंड सेलेक्ट द रिकॉर्ड ऑडियो. तो ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्लियर, रिकॉर्ड साउंड है यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, रिकॉर्ड साउंड में हमारे रिकॉर्ड साउंड के लिए हमने यहाँ पे दे दिया ऑप्शन. आप यहाँ से खुद से रिकॉर्ड कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स. This will make a record sound dialog to be appear from the type the name for the audio recording if desired. Clear? यहाँ पे some buttons are there. Play button है, stop button है and record button है. तो ये सारे buttons दिए गए हैं. Next हमारा क्या है, click on the record button to start recording. जब हम record button पर click करेंगे तो हमारी recording क्या हो जाएगी, start हो जाएगी. When you are finished recording, click on the stop button. जब आपको ख़त्म करना हो रिकॉर्डिंग तो आप क्या करेंगे, स्टॉप बटन को प्रेस करेंगे. तो प्रीव्यू योर रिकॉर्डिंग क्लिक ऑन द प्ले बटन. और आप देखना चाहते हैं कि आपका रिकॉर्डिंग कैसा हुआ, तो उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट. व्हेन यू आर डन क्लिक ऑन ओके बटन, द ऑडियो फाइल विल बी इंसर्टेड इनटू द स्लाइड. क्लियर स्टूडेंट. नाउ इंसर्टिंग वीडियो क्लिप. हाउ टू इंसर्ट अ वीडियो क्लिप लाइक ऑडियो क्लिप. जैसा हमने ऑडियो क्लिप में किया, इट ऑल्सो पॉसिबल टू इंसर्ट अ वीडियो क्लिप इनटू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड. तो ऐसा ही हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो क्लिप भी हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं. दस व्हेन द स्लाइड इज एग्जीक्यूटेड द वीडियो प्ले इन इट देयर बाय मेकिंग योर प्रेजेंटेशन मोर एंगेजिंग फॉर योर ऑडियंस. इससे क्या हो सकता है कि अगर वीडियो क्लिप हमने अगर प्ले किया, तो इससे हो सकता है कि हमारे ऑडियंस जो क्या हो, थोड़ा सा ज़्यादा उसके प्रति जागरूक रहें, इंगेज रहें, आपके साथ मिलकर वो सारी चीज़ें देखें. तो इंसर्ट अ वीडियो क्लिप, फॉलो दीज स्टेप. फ्रॉम द इंसर्ट टैब क्लिक द वीडियो ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द मीडिया ग्रुप एंड सेलेक्ट वीडियो ऑन माई पी सी फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट. तो इसके भी सब ऑप्शंस दिए गए हैं. Here, from movies, from the file, या clip organizer, ये सारे दो options आप choose कर सकते हैं. यहाँ से किसी भी आप video को आप यहाँ से apply कर सकते हैं. This will make the insert video dialog to appear. Locate the select desired video file, then click on the insert button. The video will be added to the slide. Clear students? Now using the action button. Action buttons are buttons that you can create on a slide. Through which you cannot connect to a web page, file, email address, or मतलब action button यहाँ पर क्या होगा कि मैं हम लोग किसी web page को या file को या email address को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे connect कर सकते हैं. Clear students? Now move to the next page. Another slide. The buttons have built in shape. बटन्स के सेप भी यहाँ पे हमको मिल जाएंगे. दैट यू कैन ऐड अ स्लाइड व्हेन समवन क्लिक आर मूव्स ओवर द बटन
द सेलेक्टेड एक्शन विल अपीयर, और या कभी भी माउस पॉइंट जो माउस पॉइंटर है या उसके उस बटन के जो स्टेप्स के ऊपर अगर कोई भी मूव कर होता है तो अपने आप क्या हो जाएगा, एक्शन वहाँ पे अकर हो जाएगा। टू इंसर्ट एन एक्शन बटन ऑन अ फॉलो दीज स्टेप्स, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन क्लिक ऑन द सेव बटन एंड इलस्ट्रेशन ग्रुप। क्लियर, हियर इमेज दिया है, फिगर दिया हुआ है 4.16, सेव बटन टू इंसर्ट टैब। सेकेंड पॉइंट है, अ ड्रॉप डाउन मेनू विल अपियर द एक्शन बटन, आप जिस टाइप का एक्शन बटन आप प्ले करना चाहते हो चूज करना चाहते हो, सारे एक्शन बटन यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम इसको देख कर सकते हैं, इंसर्ट में, सेव्स में, एक्शन बटन्स आर देयर हियर, इसको हम चूज कर सकते हैं, यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, हाइपरलिंक जो हमने प्रीवियस स्लाइड का इसमें फर्स्ट स्लाइड हो गया या लास्ट स्लाइड हो गया। क्लियर, रन प्रोग्राम का हमने ऑप्शन दे दिया या हाइपरलिंक ही दे देते हैं। क्लियर, और ओके प्रेस करते ही ये बटन हमारा जो है, जो हमने फोर स्लाइड था फिफ्थ का लास्ट, ये हमारा स्लाइड है। क्लियर स्टूडेंट, तो हियर द नेक्स्ट, इस पे हमको क्या करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। क्लियर, नाउ मूव टू योर चैप्टर, ये हमने शेप ले लिया, द सेलेक्ट डिजायर्ड से फ्रॉम द एक्शन बटन टू क्लिक एंड ड्रॉ द स्लाइड टू इंसर्ट बटन ऑन द स्लाइड, हमने उसको ड्रॉ कर दिया, द एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या ऑप्शन है, सेलेक्ट द माउस क्लिक टैब इफ यू वॉन्ट टू एक्शन बटन टू परफॉर्म वेन क्लिक और माउस ओवर टैब इफ यू वॉन्ट टू एक्शन बटन परफॉर्म यू हैव हाउ एवर द माउस ओवर। क्लियर, in the action on clicks section, action and click section, select the hyperlink to, click on the drop down, next slide, हमने यहाँ पे will jump हो जाएगा उस पर अगर हम click करते हैं तो, now click on the ok button, clear, तो here इसको हम play करते हैं, देख लेते हैं, press F5, क्लियर स्टूडेंट्स, और हमने इस पर एक्शन दिया और ये डायरेक्टली क्या हो गया, डायरेक्ट हमारा जो फोर्थ नंबर का स्लाइड था उस पर मूव कर गया। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन। ऑल्दो PowerPoint presentation are designed to be viewed on a computer or projector, there may be times when you want to print them. जब भी आप PowerPoint presentation को या design करते हो या देखते हो या computer में या किसी भी projector के through, तो कभी कभी हमको क्या करना होता है, हमें may be time print करना पड़ सकता है। तो PowerPoint includes several layouts when printing a presentation. तो हमारे कुछ options यहाँ पे दिए गए हैं, full page slides, अगर आप चाहते हो कि हमारे वो फुल पेज स्लाइड प्रिंट हो तो दिस लेआउट प्रिंट फुल पेज ई स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, देयरफॉर यूजफुल द प्रूफ रीडिंग। क्लियर, नोट्स हो गए, लाइक द लेआउट प्रिंट्स ईच स्लाइड अलोंग विथ एनी स्पीकर नोट्स फॉर द स्लाइड, दिस इज पर्टिकुलरली हेल्प व्हेन व्यूइंग द प्रेजेंटेशन आउटलाइन, दिस आउट लेआउट प्रिंट्स द ओवर ऑल आउटलाइंस ऑफ द स्लाइड सो विच इज हेल्प द सीइंग द organization of your slide so before preparing to deliver the presentation. Handouts, this layout prints the thumbnail version of each slide which optional space for the notes which is useful when you want to give your audience a physical copy of the presentation and want to the optional space to be used by them
टू टेक नोट्स ऑन ईच स्लाइड। तो ये सारे 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर आप चाहते हैं कि फुल पेज स्लाइड अगर प्रिंट हो तो वो सारी चीज़ें वहाँ से भी हो जाएंगी, या कोई स्पीकर के नोट्स जो इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर चीज़ को हम अगर प्रिंट करना चाहें तो वो भी हो सकता है, या किसी आउटलाइंस को, या कोई हमारा इम्पोर्टेंट थंबनेल वर्जन टाइप में हो तो उसको हम ले सकते हैं, या ऑडियंस के लिए फिजिकल कॉपी हम पहले से क्रिएट करें ताकि वो जो हम प्रेजेंटेशन दे रहे हों वो चीज़ें उन ऑडियंस के पास पहले से हो ताकि उसका वो प्रिपेयर करके देख सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हो सकती हैं। तो कैसे प्रिंट करते हैं, फर्स्ट यू सेलेक्ट योर सेलेक्ट द फाइल टैब विच टर्न विल बी मेक अ बैक स्टेज व्यू, क्लियर। नाउ क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन एंड कमांड पैनल टू लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज टर्न विल टू मेक प्रिंट पैन अपीयर, चूज द डिजायर्ड प्रिंटर एंड प्रिंट लेआउट, क्लियर स्टूडेंट्स। When you are done modifying the settings, click on the print button. आप यहाँ पे ऑप्शन सेटिंग में दिया गया है प्रिंट ऑल स्लाइड या नंबर ऑफ स्लाइड्स जो भी आपके प्रिंट करने हैं, या फुल पेज प्रिंट वन स्लाइड या कलेक्टेड वन टू थर्ड पेज के हिसाब से, क्लियर स्टूडेंट। ये सारे हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको हम चूज कर सकते हैं। क्विक रिकैप हेयर, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं जो बुक में इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग रीड करिए, लर्न करिए, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू योर एक्सरसाइज। इन योर फोर्थ चैप्टर तो नेम ऑफ द एनिमेशन दैट अकर्स व्हेन वन स्लाइड मूव टू अनदर स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो स्लाइड ट्रांजिशन। तो जब भी हमको एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जाना होगा तो उस टाइम के लिए हमारा कौन सा एनिमेशन होता है, तो स्लाइड ट्रांजिशन हम यूज कर सकते हैं, विच इज़ नॉट अ एनिमेशन इफेक्ट। एंट्रेंस एम्फेसाइज हमारा 4 टाइप का होता है, एंट्रेंस होता है, एम्फेसाइज होता है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मोशन पाथ होता है, और जो हमारा एक और ऑप्शन है यहाँ पे एग्जिट का होता है, लेकिन ये रिपीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, इसलिए इसका क्या है, ये हमारा एनिमेशन इफेक्ट नहीं है। विच एमंग द फॉलोइंग मोशन पाथ अलाउ यू टू डिज़ाइन योर पाथ फॉर एनिमेशन कस्टम पाथ, विच टैब अलाउ यू टू इंसर्ट एन ऑडियो क्लिप इंसर्ट टैब, विच एमंग द फॉलोइंग ग्रुप इन द इंसर्ट टैब अलाउ यू टू इंसर्ट एक्शन बटन इलस्ट्रेशन ट्रू एंड फॉल्स, द स्लाइड ट्रांजिशन स्पीड कैन नेवर बी मॉडिफाइड। False entrance animation occurs when your object is on the slide, often triggered by a mouse click. False कभी भी नहीं होगा, entrance animation में कभी भी माउस क्लिक को ट्रिगर नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट पे। The exit animation effect controls the way how to an object exit the slide. True, जब किसी एनिमेशन से हम एग्जिट करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चूज करना होता है, एग्जिट स्लाइड का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम चूज करेंगे एग्जिट एनिमेशन। Once an animation is inserted, it cannot be removed. False. एक बार अगर हम animation insert कर देंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उसको remove ना कर सकें। हमने already पढ़ा कैसे how to remove the animation in your object. तो you can insert video clips into a presentation. Yes, true है, क्योंकि हम video भी insert कर सकते हैं। Fill in the blanks. A small numbers before an animated object on a slide so that it has an animation along with the order of animation. The effect option allow you to further modify an animation. The record audio buttons on the media group of the insert tab allow you to record your own narration. Action button are on a slide allow you to connect the web page, file, email address and to another slide. The notes layout prints each slide along with any speaker notes for the slide. Clear students? Here short answer. Which layout to printing allow you to print the thumbnail version to each slide? Hands out. Clear? Which tab allow you to print a presentation in PowerPoint 2013 file? What is an animation action button? Action button are buttons that you can create on a slide through which
you can connect the web page, file, email address or another slide. Clear students, what is a slide transition? Slide transition involves the animation that occurs when you one slide move to the another slide during the slideshow. तो ऑलरेडी हम लोगों ने सारे डिस्कस कर चुके हैं और ये हमारे लॉन्ग आंसर्स भी दिए गए हैं यहाँ पे, जिसको आपको अभी कंप्लीट करना है. ये होमवर्क में आपको मिल चुका है, आप उसको कंप्लीट करिए चैप्टर्स. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू योर इंट्रोडक्शन टू योर फिफ्थ चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल. Here, introduction to Excel. Your fifth chapter start हुआ student. Introduction. Microsoft Excel is a spreadsheet application which belongs to the Microsoft Office suite. तो spreadsheet जो हमारा क्या होता है, MS Excel एक तरह से इसको बोला जाता है application software है, क्योंकि ये इसको design किया गया है किसी particular task के लिए. तो हमें बोल सकते हैं कि जो हमारा MS Office है, Microsoft है, एक तरह से ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. क्लियर स्टूडेंट्स, हियर सम ऑब्जेक्टिव्स आर देयर स्टार्टिंग एमएस एक्सेल. कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो, डेटा टाइप्स, मूविंग अराउंड द वर्कशीट, क्रिएटिंग अ वर्कबुक, एंटरिंग डेटा इन अ सेल, एडिटिंग इंफॉर्मेशन इन अ सेल, सेविंग अ वर्कबुक, ओपनिंग अ वर्कबुक, ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, इसको हमको रीड करना है. Here, a spreadsheet is a computer application that help in organizing and analysis of information in tabular form. तो spreadsheet एक तरह से मैंने बता दिया कि ये application softwares होता है. Which types application software क्या होता है? Which types of software designed for a particular task? ऐसे softwares जो design किए जाते हैं किसी भी particular task के लिए. तो उसको हम क्या बोलते हैं? Application software बोला जाता है. Now here. A spreadsheet is a computer application to help the organize and analyze of information in a tabular form. मतलब tabular form में हम किसी भी data को या application को organize कर सकते हैं या उसको analyze कर सकते हैं. तो उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? Spreadsheet की ज़रूरत पड़ेगी. तो spreadsheet हमारा जो होता है, इसमें हम किसी भी data को एक tabular form में insert कर सकते हैं. It is a primarily used to work with the statistical data and can also be organized information to calculate and analyze using the mathematical formula. और spreadsheet में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? किसी भी डेटा को कैलकुलेट करना या मैथमेटिकल फार्मूला भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. जो हमारा फर्स्ट है, स्टार्टिंग एम एस एक्सेल. कैसे एक्सेल ओपन करेंगे? तो स्टार्ट एम एस एक्सेल, फॉलो दिस स्टेप फॉलोइंग गिवन बिलो. फर्स्ट हमारा क्या है? क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं. हमारा ये एक्सेल ओपन हो गया है, डायरेक्टली हम ओपन कर सकते हैं एक्सेल को. क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम, स्क्रॉल डाउन द until you find out the Microsoft Office 2013 and then after click on the Excel button. तो स्टार्ट बटन पर भी आप जाके यहाँ से जो है एक्सेल अपना जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप चूज करिए. ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया और यहाँ से हम एक्सेल चूज कर सकते हैं इसमें. क्लियर, यहाँ पर हमारा ये एक्सेल का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज. Here, alternately, you may now click on the Microsoft Office 2013 icon if you find pinned in the start menu and double click on the. ये भी हम कर सकते हैं, जिससे जैसे हमने इसको ओपन किया उस पर हम पिन टू द टास्क बार भी कर सकते हैं, उसको हम वहाँ से अवेलेबल करके अपने पास डायरेक्टली रख सकते हैं. तो सब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो. अ टिपिकल विंडोज of Excel would looking some
समथिंग लाइक दिस, जो हमारा विंडोज होता है इसका जो कैसे दिखता है। तो इसमें हमारा सबसे पॉइंट पहला है फाइल मेनू, जो हमारा फाइल टैब होगा। क्विक एक्सेस टूल बार जो हमारा होता है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। ये हमारे यहाँ पे शो होता है। देखिए, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, ये हमारा फाइल है जिसको ऑफिस बटन एक तरह से बोला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से हमारा क्या होता है, ये फाइल आपका ऑप्शन ओपन होता है। क्लियर? ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार था। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ये टैब्स है, हमारा होम टैब, टाइटल बार, जो हमारा बुक वन आपके सामने जो एक्सेल ओपन हुआ है वो मेरा क्या है, ये हमारा टाइटल बार है। क्लियर स्टूडेंट? ये रिबन ऑप्शन होता है। उसके बाद बॉक्स नेम होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से सेल, सेल का जो एड्रेस होता है वो शो हो रहा है। फार्मूला बार होता है और कॉलम हेडिंग्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? रो हेडिंग है, सेल है, स्क्रॉल बार्स हैं, सीट टैब है, जूम स्लाइडर का ऑप्शन दिया गया है। ये सारे हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हियर लेट्स यू लर्न, लेट अस लर्न द कॉमन टर्म्स एसोसिएटेड विद एक्सेल। फर्स्ट हमारा पॉइंट है वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है? तो वर्कशीट आर सिंपली शीट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेल 2013 वेयर डेटा इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो वर्कशीट क्या होता है, एक तरह से देखा जाए तो सिंपल शीट होती है, एक पेज होता है जिसपे ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है या किसी भी डेटा को अरेंज किया जाता है रो एंड कॉलम के या टेबुलर फॉर्म के रूप में। क्लियर स्टूडेंट? तो एक तरह से इसको हम बोल सकते हैं कि अ वर्कशीट इज अ कंटेंट ऑफ वर्कबुक। क्लियर स्टूडेंट? वर्कबुक क्या होता है, अ वर्कबुक इज अ फाइल इन विच डेटा इज केप्ट इन वर्कशीट। एक फाइल होती है जिसमें अब क्या करता है, डेटा को वर्कशीट में रखा जाता है या उसमें होता है। दस अ वर्कबुक में कंटेंट सेवरल वर्कशीट। तो वर्कबुक क्या होता है, उसमें बहुत सारे वर्कशीट हो सकते हैं। जैसे एक कॉपी होती है तो उसको हम कॉपी बोलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पेज हो सकते हैं। तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो वर्कशीट एक सिमिलर लाइक टू पेज। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड वर्कबुक सिमिलर टू कॉपी, कंटेन द सेवरल वर्कशीट हैविंग अ डिफॉल्ट नेम एज अ सीट वन, सीट टू, सीट थ्री। ये बाय डिफॉल्ट थ्री सीट्स आर देयर इसमें दिए जाते हैं, एंड सो ऑन। बाय डिफॉल्ट ओनली वन सीट, सीट वन इज शोन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइटल बार। टाइटल बार क्या डिस्प्ले करता है, जो वर्कबुक है उसका क्या नाम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो हमारा वर्कबुक था उसका नाम क्या था, बुक वन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एनी सब्सिक्वेंट वर्कबुक ओपनड विल हैव द डिफॉल्ट नेम बुक टू एंड बुक थ्री आल्सो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, रिबन। एक तरह से रिबन को देखा जाए तो द रिबन इज अ बैनर एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। एक बैनर होता है जो एक्सेल विंडो में सबसे ऊपर होता है, विच कंटेंट्स बटन रिप्रेजेंटिंग द कमांड दैट अलाउ टू स्पेसिफिक टास्क। और ये क्या करता है, बटन्स को कंटेन करता है जो कुछ कमांड्स के लिए जो अलाउ किए जाते हैं। वेन एवर टैब इज क्लिक्ड इट डिस्प्ले द वेरियस ऑप्शन एंड आइकन्स ऑन द रिबन एसोसिएटेड विथ दैट टैब। बाय डिफॉल्ट टैब द रिबन हैज 9 टैब्स ओनली। फर्स्ट हमारा क्या है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू एंड टीम। ये सारे हमारे रिबन रिप्रेजेंट करता है, जो टास्क होते हैं जिसको हम लोग टैब बोला जाता है, 9 टैब को जो है रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है क्विक एक्सेस टूल बार। द क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, कॉन्फिगर टूल बार विच इज अ हैंडी टूल शोइंग द buttons which are commonly used by default. It display the save, undo and redo buttons. Clear students? तो ये हमारा यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं control plus y, ये हमारा redo button है, और ये हमारा control plus z undo button है। clear? तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज को redo and undo कर सकते हैं। now
रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग्स आर देयर। तो रो हेडिंग एंड कॉलम हेडिंग कहाँ पे है? ये हमारा रो हेडिंग है अल्फाबेटिकल, जो कॉलम, ये कॉलम हेडिंग है अल्फाबेटिकल, ए बी सी डी और ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। रो हमेशा क्या होता है? डिजिट में परफॉर्म किया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे न्यूमरिक फॉर्म में है। हेयर द रो एंड कॉलम हेडिंग इज यूज टू गिव एन नेम टू द रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली। इन अ वर्कशीट यू हैव कितने कॉलम्स होते हैं? 16,384 कॉलम्स एंड नेम यूजिंग द अल्फाबेट स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी टिल एक्स एफ डी, वेयर एक्स एफ डी इज द लास्ट कॉलम हेडिंग। क्लियर? एंड 10, 48, 576 रो नंबर एज अ फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इतना हमारा रो इसमें बाई डिफॉल्ट दिया गया होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? 10,48,576 रो। नेक्स्ट पॉइंट है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस एक तरह से देखा जाए तो ये एड्रेस होता है, एड्रेस लोकेट करता है। अ सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में सेल का जो एड्रेस होता है उसको रिफर किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया या हमने कोई भी वर्ड लिखा राम। क्लियर? तो राम जो कंटेंट कर रहा है ये सेल, इसका क्या एड्रेस है? तो यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है नेम बॉक्स में शो हो जाएगा? C3, मतलब सी कॉलम एंड थर्ड रो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इससे हमको सेल का रेफरेंस पता चल जाएगा। समटाइम रिफर्ड टू एज अ सेल एड्रेस, हम उसको कभी कभी जो है सेल एड्रेस भी बोल सकते हैं। अ सेल रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेटर फॉलोड बाई अ रो नंबर दैट इंटरसेक्ट। एक तरह से इसको बोला जाए तो कैसे डिजाइन किया जाता है? सेल का डेफिनेशन क्या होता है? द इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम, मतलब जहाँ पे रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? सेल बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अ सेल रेफरेंस इज यूज्ड टू फार्मूला फंक्शन चार्ट्स एंड अदर एक्सेल कमांड आल्सो। सेल क्या कर सकता है इसमें और भी इसमें रिफर्स करते हैं, फार्मूला भी यूज कर सकता है, फंक्शन चार्ट, ये सारी चीजें वो क्या करता है यूज हो सकता है इसमें। वाइल रेफरेंसिंग ऑफर रिफर्स इंडिविजुअल सेल सच एज A1, B38, Z345, देयर कैन ऑल्सो रिफर टू द ग्रुप रेंज ऑफ सेल। क्लियर स्टूडेंट्स? रेंज आर आइडेंटिफाई द सेल रेफरेंस। द सेल इन द अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द रेंज, द टू सेल रेफरेंस यूज फॉर अ रेंज आर सेपरेटेड बाई अ कॉलन विच टेल्स अस एक्सेल टू इंक्लूड ऑल द सेल्स बिटवीन दिज स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। The example of the range of adjacent cell would be B2 colon D6. Here B2, B and हमारा जो B column है और second row है यहाँ से start हुआ, और हमारा जो D column है और 6 row का जो end point है ये हमारा क्या होता है? End point। तो इससे हमारा यहाँ से इसको हम identify कर सकते हैं range का कि B2 colon D6। Clear students? Now move to the next page. Some points. First है scroll bars. Scroll bar आपका जो है by default vertical and horizontal here. That's the vertical scroll bar and horizontal here. Clear students? The scroll bars are used to navigate in the Excel sheet. There are two scroll bars, vertical scroll bar and horizontal scroll bar. The vertical scroll bar located along with the right edge of the screen is used to move up or down to the worksheet. मतलब जो vertical scroll bar होता है हम screen को क्या कर सकते हैं? Edge को move कर सकते हैं ऊपर से या up to down. Clear student? Upper to down. And now the next horizontal scroll bar located at the bottom from the worksheet is used to move the left to right. Clear? Across the worksheet. Next point है name box. It is used to show the address of the current section and active cells in the perform the column and row heading. तो name box हमारा क्या होता है? अगर जो मेरा active cell है, active cell मतलब जो current
जो हमारा सेल है उसका जो एड्रेस होगा वो नेम बॉक्स में शो होगा। फार्मूला बार, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इंटर्ड आर बींग इंटर्ड एज यू टाइप इन द करेंट आर एक्टिव सेल। द कंटेंट ऑफ सेल कैन ऑल्सो बी रिटेड इन फार्मूला बार। तो हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे टाइप किया था जो डेटा हमारा जो करंट सेल था वो हमारा क्या है नेम बॉक्स में C3 एंड फार्मूला बार में जो हमारा डेटा हमने यूज किया है वो डेटा हमारा यहाँ पे फार्मूला बार में हो सकता है। हम यहाँ पे कुछ और भी डेटा लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? और ऑलरेडी आप लोग सेल तो जान ही चुके हैं, अ सेल इज अ रेक्टेंगुलर स्पेस वेयर कॉलम एंड रो इंटरसेक्ट। मतलब एक रेक्टेंगुलर स्पेस होता है जो किसके कारण बनता है, तो इंटरसेक्ट बिटवीन रो एंड कॉलम, इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम, जब रो और कॉलम के बीच इंटरसेक्ट होता है तो वो चीज़ें वहाँ पे सेल को डिफाइन करती हैं। डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं? 3 डेटा टाइप्स आर देयर। फर्स्ट हमारा क्या है, नंबर्स है, टेक्स्ट है एंड फार्मूलाज। तो नंबर्स में हमारा क्या हो सकता है, नंबर्स आर वैल्यू कंसिस्ट न्यूमरल्स फॉर्म 0 to 9। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि नंबर्स हमारे कितने होते हैं, लैप किसी भी डेस्कटॉप में आप या कीबोर्ड में आप देख सकते हैं 0 to 9 हमारा जो नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं नंबर। क्लियर क्लियर स्टूडेंट? एंड करेक्टर सच टाइप, प्लस माइनस, डिवीजन हो गया, एस्ट्रिक हो गया, मॉडुलर हो गया, डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं कुछ स्पेशल करेक्टर्स दिए गए होते हैं। दे कैन बी यूज टू कैलकुलेशन एंड ऑल्सो कंटेन द डेट एंड टाइम्स एज ए नंबर। बाई डिफॉल्ट द नंबर्स आर राइट अलाइन इन अ सेल। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसमें टेक्स्ट, इट कंटेन्स द लेटर नंबर स्पेस फ्यू स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज। तो टेक्स्ट क्या हमारा कंटेन कर सकता है, लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ स्पेस हो सकते हैं या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होता है। इट इज़ बाई द डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन इन अ सेल इज नॉट यूज टू कैलकुलेशन। क्लियर स्टूडेंट? फार्मूला, अ फार्मूला इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द नंबर वैल्यूज ऑपरेटर्स एंड सेल एड्रेस यूज्ड इन परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन। तो फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो फार्मूला क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं जो नंबर और वैल्यू पे ऑपरेटर्स पे यूज किए जाते हैं जिससे हमारा क्या हो सके कैलकुलेशन परफॉर्म हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स? फार्मूला ऑलवेज बींग विद द इक्वल, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी हम फार्मूला यूज करेंगे तो इक्वल साइन यूज करने के बाद ही हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। मूविंग अराउंड द वर्कशीट, यू कैन मूव अराउंड द स्प्रेडशीट आइदर यूजिंग द मूव माउस और यूजिंग द कीबोर्ड। तो एक तरह से इसको देखा जा सकता है कि हम माउस पॉइंटर जो हमारा होता है माउस को मूव करके किसी भी या कीबोर्ड्स के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, स्प्रेडशीट को भी हम क्या कर सकते हैं मूव कर सकते हैं। यू कैन क्लिक ऑन एनी सेल टू मेक द एक्टिव फॉर एडिटिंग। अल्टरनेटली यू मे ऑल्सो यूज एरो की या नेविगेशन की ऑन योर कीबोर्ड और माउस टू सेल पॉइंटर। तो हियर जैसे ये हमारा एक सेल है, एक्टिव सेल हो गया, हमको मूव करना है तो हम ड्रॉप डाउन किसी भी एरो से, एरो के माध्यम से हम अपने माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, अप डाउन है ना, ये सारी चीज़ें। क्लियर? या डायरेक्टली हम माउस पॉइंटर से भी मूव कर सकते हैं। द स्क्रॉल थ्रू अ वर्कशीट, स्क्रॉल थ्रू मतलब यहाँ पे देखा जाए तो स्क्रॉल जो हमारा है वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अलोंग विथ राइट एज ऑफ द स्क्रीन यूज टू मूव अप और डाउन एंड इन स्प्रेडशीट हॉरिजॉन्टल बार लोकेटेड टू स्क्रीन यूज टू मूव लेफ्ट और राइट। तो ऑलरेडी मैंने इसको बता चुका है कि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है उससे हम क्या कर सकते हैं अप एंड डाउन अपने वर्कशीट को मूव कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल से हम लेफ्ट एंड राइट की तरफ मूव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ वर्कबुक, कैसे क्रिएट करते हैं। अ ब्लैंक बुक इज डिस्प्लेड व्हेन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज फर्स्ट ओपन। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो पहला पेज हमारा क्या होगा वर्कबुक का, ब्लैंक होगा। अल्टरनेटली यू मे यूज द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू बुक। क्लियर स्टूडेंट्स? Here, to create an Excel workbook, click on the file tab. File tab पे गए, from the back stage view, on new options are there. From left hand panel, जो हमारा new option दिया रहेगा उस पर क्लिक करेंगे, हमारा blank workbook start हो जाएगा। Clear students? या
शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस न्यू, इससे हमारा न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा डायरेक्टली। एंटरिंग डेटा इन सेल, हाउ टू एंटर द डेटा इन सेल, कैसे डेटा सेल में जो है एंटर करेंगे। यू कैन एंटर थ्री टाइप्स ऑफ डेटा इन सेल। फर्स्ट हमारा क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है एंड फार्मूला। तो हम थ्री टाइप्स के डेटा उसमें यूज कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। टेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट क्या होता है हमारा, कॉम्बिनेशन होता है कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर्स एंड डिजिट दैट कैनॉट टेक अ पार्ट इन एनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्लियर स्टूडेंट, नंबर आर वैल्यूज यूज व्हेन मेकिंग कैलकुलेशन, फार्मूला आर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्लियर, द इंटर डेटा इन टू अ सेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट हमारा, जैसे ये चीज है, इसमें किसी भी सेल में हम डेटा कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दिख रहा होगा, या कोई भी फार्मूला इक्वल साइन का यूज करते हुए 100 प्लस 200 इंटर प्रेस करते हैं, हमारा यहाँ पे फार्मूला आपको दिखेगा यहाँ पे क्या ऐड किया गया। एक तरह से देखा जाए तो पूरा जो वर्कबुक है, जो हमारा स्क्रॉल ये बुक है, पूरा स्प्रेडशीट है, एक तरह से कैलकुलेटर का ही पूरा वर्क करता है ये। क्लियर स्टूडेंट्स, सो हियर फर्स्ट पॉइंट हमारा है, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू टाइप इंफॉर्मेशन, टाइप द डेटा एंड इंसर्शन पॉइंट ब्लिंकिंग द कर्सर अपीयर्स द सेल एज डेटा इज बीइंग टाइप। तो जिस सेल पे हम कोई डेटा कोई एक्सेस करना है, हम वहाँ पर टाइप करना शुरू कर देंगे। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज। हियर द डेटा कैन बी टाइप इन इंटर द सेल और द फार्मूला बार। जो भी हम यहाँ डेटा टाइप कर रहे हैं या इंटर्ड कर रहे हैं, वो हमारा सारा डेटा कहाँ पे शो हो रहा है, फार्मूला बार में शो हो रहा है, हम देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, द डेटा बींग टाइप अपीयर इन बोथ द एक्टिव सेल एंड इन द फार्मूला बार। नोटिस द कैंसल एंड इंटर बटन इन द फार्मूला बार, क्लिक द इंटर बटन टू एंड द एंट्री एंड टर्न ऑफ द फार्मूला बार बटन सिमिलरली टू अंडू एनी एंट्री डैट हैज़ बीन मेड इन द सेल, यूज द कैंसल बटन एंड प्रेस ऑन एस्केप बटन। क्लियर स्टूडेंट्स, Now next, editing information in cell. It is likely that information in a spreadsheet is going to change over time. तो information हम spreadsheet में क्या कर सकते हैं, उसको हम change भी कर सकते हैं। The change can be made in either of the three way. First method क्या है मेरा, replace content. तो method first में हम क्या कर सकते हैं, content को replace कर सकते हैं। Click on the cell and then content the information to be changed, type a new entry that the old entry is replaced by the new entry. For example, जैसे हम यहाँ पे हमने लिखा है एस सी ए, तो हम directly यहाँ पे क्लिक करके एस सी एस डबल ओ एल हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। क्लियर हो गया, तो ये हमारा अभी करेंट का जो डेटा था, इससे हम फर्स्ट मेथड से यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है डायरेक्ट सेल एडिटिंग। If the original entry is long and ensure only a major adjustment in spelling, for the example, then you can directly edit the information in the cell. Double click or press the function key F2 on the cell that contains the information to be changed. The cell is opened, the direct editing, make the necessary correction and press enter or enter button to formula bar complete the entry. Here, या तो यहाँ पे हम चले जाएं, या तो सेल पे हम डबल क्लिक करके क्लिक कर सकते हैं, या ये हमारा सेल है, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज एडिट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, थर्ड मेथड है फार्मूला बार एडिटिंग। तो मेथड ये क्या है, फार्मूला बार से हम एडिट कैसे करेंगे, जैसे स्कूल है, हम इस पे चले जाते हैं, ये हमने
एक फार्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पे हम कुछ कंटेंट यहाँ से डायरेक्टली हम चेंज कर दें तो हमारा आउटपुट यहाँ से चेंज हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हम डायरेक्टली फार्मूला बार से भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिलीटिंग इंफॉर्मेशन इन अ सेल। टू डिलीट डेटा दैट ऑलरेडी अपीयर्स इन अ सेल फॉलो दिस स्टेप। क्लिक ऑन द सेल और सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल बाय प्लेसिंग अ माउस पॉइंटर टू स्टार्टिंग सेल एंड क्लिक एंड ड्रैग द डिजायर्ड एंडिंग सेल दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन टू बी डिलीटेड। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रेस द डिलीट की और राइट क्लिक एंड चूज द क्लियर कंटेंट फ्रॉम द पॉपअप मेनू दैट्स अपीयर। मतलब अगर हमको डेटा डिलीट करना है तो हम उस सेल को सेलेक्ट किया और डेल बटन प्रेस कर देंगे, अपने आप वो डेटा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? सेविंग अ वर्कबुक। एवरी वर्कबुक क्रिएटेड इन एक्सेल मस्ट बी सेव्ड एंड असाइन योर नेम डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर वर्कबुक। द फर्स्ट टाइम यू हैव सेव अ वर्कबुक एक्सेल विल प्रॉम्प्ट यू टू असाइन अ नेम थ्रू अ सेव एज ऑपरेशन। वंस यू असाइन अ नेम any additional change made to the text number and formula need to save by using the save operation। to save ke liye hum directly yahan pe hamara jo quick recap hai usme bhi hum isme dekh sakte hain jo hamara jo tha, aur then after file pe hum click karke yahan pe save as option hai, save ka option hai, ye sari cheeze yahan pe hum save kar sakte hain। clear student? To save a new workbook, click on the File tab and from the left panel backstage view on the click on the Save option. The Save as option panel appears having a default computer option selected to save the workbook into the hard disk. Click on the Browser button or Quick key. अगर combination में हम देखें तो Control plus H भी हम shortcut की press कर सकते हैं किसी workbook को save करने के लिए। Clear students? Once your workbook is given the name and save, simply click on the save button on the quick access toolbar. Clear students? Now move to the next page. Here, opening a workbook. How to open a workbook? You can open any workbook that was previously saved for the reading and editing. Further, to open an existing workbook, click on the file tab and from the backstage view, click on the open option. From the left hand panel, second point, a recent workbook option will display the recently edited workbook. The computer option will start an open dialog box. Clear student? तो हम इसको open करना होगा directly document से भी हम open कर सकते हैं। The browse option appear होता है, उससे भी हम open dialog box से appear कर सकते हैं। Here, file पे click करके directly हम open पे जाएं और हमारा Excel file क्या हो सकता है, open हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? जो भी हमारे एक्सेल्स होते हैं वो हमारे ओपन हो जाएंगे। क्लोज एंड एग्जिस्टिंग अ वर्कबुक। एग्जिटिंग अ वर्कबुक। टू क्लोज अ वर्कबुक क्लिक ऑन फाइल एंड क्लोज इन द बैक स्टेज व्यू। इन केस फाइल इज नॉट सेव्ड इट इज आस्क्ड टू कंफर्मेशन बिफोर क्लोजिंग द फाइल। यू मे ऑल्सो क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द राइट हैंड साइड। द टाइटल बार इज टू बी क्लोज। तो क्लोज करने के लिए हम इसको डायरेक्टली भी क्लोज कर सकते हैं कैंसिल बटन से भी। अगर आपकी फाइल सेव नहीं होगी तो उसके लिए आपसे कन्फर्मेशन लेगा, उसको सेव करिए, या तो बाई डिफॉल्ट आप उसको विदाउट सेव भी आप सेव कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लोज कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्विक रिकैप हियर। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ये हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। Clear students? Now move to your exercise. The last column of Excel 2013 worksheet has the heading XFD. Clear? जो column जो हमारा Excel sheet में सबसे last column कौन सा है, तो XFD. The number of rows in Excel 2013 worksheet, तो 10,48,576 rows are there. क्लियर स्टूडेंट? द डिफॉल्ट टेम ऑफ फॉर अ वर्कबुक। तो डिफॉल्ट टेम हमारा वर्कबुक का क्या होता है, बुक वन। एंड एलिमेंट ऑफ वर्कशीट विच डिस्प्ले द सेम ऑफ द एक्टिव सेल्स। नेम बॉक्स फॉर डायरेक्टली एडिटिंग अ सेल। फॉर माइनर चेंजेस यूज द फंक्शन की F2 बटन। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स।
Excel is used to creating a attractive presentation, false. A worksheet is a file that contains the workbook, false. You cannot add more buttons to a quick access toolbar, false. You cannot insert a row or column in Excel, false. The name box is used to edit the content of a cell, false. Column heading is a numbers and row headings is an alphabet or group of alphabets, false. Fill in the blanks, select a cell and press the delete key on the keyboard on a clear the contents of a cell, delete. By default, the text is aligned to left in a cell. The default extension name of Excel is .xlsx, clear. The function key F2 is used to edit or content of a cell. Formula is used to perform a mathematical calculation. So some short answer type question are there and long answer type question are there. Already is very easy questions are there. So student, aap isko complete karein. Clear students. Now move to the next chapter 6, editing a worksheet. Thank you, class.